Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए यार। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई फिर रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो की रिएक्शन होने वाला है ना बहुत ही फाड़ होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था मैंने किया था प्रैंक किस पे, अपनी बहन पे यार, बड़ी बहन पे। तो उसके रिएक्शन बहुत ही सुपर भाई थे, बहुत ज्यादा चाटे वाटे पड़े थे, तो बहुत ही प्यारी वीडियो थी। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, और आज की वीडियो में जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही फाड़ आने वाला है। चलो आप खुद चल के रिएक्शन को देख लो यार। एक काम करते हैं, दीदी को फोन करके बुलाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वो बताया था कि दीदी मेरी मैरिड है, वो घर के पास ही रहती है, तो उसको फोन करके मैं बुला लेती हूँ, और जो उसके रिएक्शन है। तो मैंने फोन लगा दिया यहाँ पे। हेलो, आना है क्या? नहीं आना, घर पे बोर हो रही हूँ। ठीक है, हमें पिला दे आके चाय, जल्दी आ जाओ। तो 10-15 मिनट में दीदी आने वाली है घर तक। और बाकी बताओ कमेंट करके कैसे हो, कैसे भी हो आप लोग, कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? हमारा तो बहुत ही बोरिंग चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। मेरी वीडियोस भी नहीं आ पा रही है, बस वही है कि घर रह के थोड़ा प्रैंक होता ना वो स्क्रिप्टेड सा लगता है, इसलिए हम घर पे प्रैंक नहीं कर रहे और रियल चीजें दिखाना चाहते हैं आपको। आपको तो पता है मेरे रियल चीजें भी बहुत ज्यादा दिखाती हूँ। तो वेट करते हैं बाकी दीदी के आने का, मिलते हैं वीडियो के बाद। सो गाइस, कैमरा सेट कर दिया गया, और जिसमें मेरा साथ दिया मेरे भाई ने, जय ने, और कैमरा लगाया एलईडी के सामने, तो पता नहीं चलेगा यार, बड़ी इनोसेंट है, जितनी बार प्लान कर लो पता नहीं चलता है उसको। अब क्या कर सकते हैं, आने वाली है दीदी, वेट करते हैं थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, बाकी देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्या हुआ? अभी तो बड़ी हूँ मैन, क्या हो सकता है मुझको, मैं तो क्या कर रही है, बस कर रही हूँ, पैक कर रही है, जा रही हूँ ना मैं, इसलिए जा रही है। चल कहाँ जा रही है? वापिस। वापिस मतलब? दिल्ली जा रही है तेरी बहन वापसी। चल मजाक करती है, मेरा कपड़े पैक कर रही है, उसमें मजाक वाली क्या बात है, कपड़े पैक कर रही है। हाँ हाँ, मेरे ही है ये, किसी और के पैक करके साइड में रख रही है। द मेरे ही है, और किसके? जा रही है, दिल्ली क्यों जा रही है? मैं ना रोज रोज ना तंग आ चुकी हूँ ये पापा की ये ताने वाने सुन के, शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इधर सारा दिन घर पे काम करो, बर्तन धो, रोटी बनाओ, ये भाई मेरे से क्या हो गया यार, मैंने तो थोड़ा बहुत नहीं होता ना, बहुत ज्यादा काम होता है, जीना हराम हो गया है, क्या बताऊं तेरे को मैं। नहीं, थोड़ा बहुत अगर पापा मम्मी बोलते भी हैं तो क्या हो गया फिर? मेरे को पता है लॉकडाउन है, मैंने तो पास बनवा लिया है, सीधी बात है, और मैं तो जा रही हूँ, और मैंने सामान वामान पैक कर लिया है। मजाक करने वाली क्या बात है तेरे को? देख दिख रहा है मैं रेडी होकर रहती हूँ, कभी निकल रही हूँ, लॉकडाउन है, इतनी मतलब दिक्कत है बाहर जाने में, और तू कह रही है मैं जा रही हूँ। लॉकडाउन है तो क्या कर सकते हैं आप, घर से निकली करो यार, रोज रोटी बनाओ, बर्तन धो, सुबह तेरे को पता नहीं है क्या क्या चल रहा है घर पे। एक बात बता मेरी, अब ऐसे नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं आके रह जाऊंगी। चल तू ये बता, शादी की एज है मेरी अभी? बता, मैं अभी अपने बात फोन कर रहा हूं, मैं अभी खुद अपने आप को बच्चा मानती हूँ, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का देख ले, देख ले, भाई मैं अपनी मर्जी से करूंगी ना, मेरे को राइट है ना, शादी से कहा है तुझे, हम तो नहीं बोलते तू, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना, पापा बोलते हैं ना, काम नहीं कराती होगी तभी बोलते होंगे, गुस्सा आता होगा तभी बोलते होंगे, सारा काम कर नहीं बोलते, सारा काम करने के बाद भी जब तुम्हें रात को सोते वक्त यही सुनने को मिलता है ना, शादी कर ले, ये कर ले, ऐसे तैसे कराओ, तो भाई हमसे तो कुछ होता नहीं। और अब तो मैंने सोच लिया है कि भाई बेदखल कर दो मेरे को, भाई सही है, क्योंकि मैं तो दुखी हूं। बात सुन यार, तू छोटी है, छोटी बन के रहे, वो अच्छी बात है, छोटी बन के रह के ना, अपनी ऐसी तैसी करा लिया, मम्मी पापा से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ये भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैंने मेरा फाइनल डिसीजन है, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो दुखी हो गई हूँ, मैं तो अपने फ्रेंड को भी बोल दिया, यश को भी बोल दिया, वो बस आने वाला घर को लेके, उसने मेडिकल पास करवा लिया, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बेइज्जती कराएगी मम्मी पापा की? बेस्ती वाली बात क्या, तू घर में तो सुबह उठती है, तेरे को रोज सुनने को यही मिले, कुछ करती नहीं है, शादी करा रही है,
यार करने के बाद मुझे बुराइयां मिलती है तो बुरा बुरा ही सही हूँ ना मैं, बुरी ठीक हूँ मैं। मम्मी पापा की बातों को ऐसे दिल पे नहीं लगाते, कोई बात नहीं, वो ही हमें समझाएंगे और वही हमें सब कुछ करेंगे, और तू उनकी बातों को मान ली है। मैंने तो हार मान ली है, मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ इस लेवल को अचीव करने के बाद बिना मेरा कुछ बनने का कुछ करने का फायदा ही हुआ जिंदगी में। अभी इन चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे उनको सब समझ आएगी तो उनको सब पता लग जाएगा कि हर एक भगवान ने हर किसको एक सच्चा दिल दिया, दिल पे हाथ रख के बता दे कि क्या ये मेरी उम्र है शादी करने की। कितनी बार समझा लिया, कितनी बार समझा लिया, मम्मी फिर भी ठीक है, पापा को हमेशा ये समझ में नहीं आती ये प्रैंक वीडियो जो करनी है ना शादी के बाद कर लियो, जिसके साथ शादी कराएगी उसके साथ प्रैंक वीडियो कर लियो, अगर मुझे नहीं करनी है अभी इसी बात तू छोटी सिस्टर है ना मेरी और तू मेरी हर बात मानती है, तुझे मेरी ये बात माननी होगी, ये जो डिसीजन तूने लिया ना ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता, जब पेरेंट्स अगर हमें छोड़ देना तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात तू मेरी नोटिस कर ली, आई समझ में तुझे, तुझे कहीं नहीं जाना और रात रही ये बैग, ये बैग से कपड़े निकालते हो फैमिली की लगता, आई समझ में तुझे, इसको इससे क्या होगा, मैं तो भाई खुद के पैरों पे स्टैंड हुई, मैंने खुद किया सब कुछ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई कल को ये बोले ना कि अगर आपने कुछ अचीव किया अपनी जिंदगी में रिट्स दवन और लेकिन आपके पीछे किसका आता है, सच बता रही हूँ मेरे पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है, मैं बोल दूँ पीछे की तो हम तेरा सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट किया कैमरा दिलाने से सपोर्ट होता है यार, कोई बात नहीं यार, मैं पेरेंट्स को समझा दूँ, आज की बात कुछ नहीं कहेंगे प्लीज यार, ये तो घर छोड़ने वाला काम कर रही है, ये गलत कर रही है, ये काम नहीं करेगी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के, तुझे मेरी बात सुननी नहीं है, तुझसे प्यार है बहन, मैं तुझसे बोलता इसको छोड़ दे, इसीलिए मैंने सब तुझे लेकिन जो तेरा ये डिसीजन है ना ये बहुत गलत है, अब तो ये बोल रही है कोरोना चल रहा था मुझे कुछ हो सकता है, कुछ हो या ना हो तूने ये जैसे प्यार से जाती है प्यार से आती है ना वैसे ही तेरे को आराम से जाना है और वो भी उनकी मर्जी से, ये नहीं की तू ये तेरे को कुछ उन्होंने बोल दिया और तुम मैं बैग उठा और मैं जा रही हूँ, ये नहीं करेगी, प्लीज ये नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, ठीक है मैं थोड़ी देर नीचे जा रही हूँ, अपना बैग रख रही हूँ, बैग रख रही हूँ मैं, जल्दी चला जाओ जल्दी, सॉरी यार।
करना, शेयर करना और जल्दी से मिलने का संपर्क पूरा कर देगा। लव यू।